7 News, हर जगह हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 7 स्पेशल। मैं हूं फैसल अब्बासी। कल हमने प्रोग्राम किया था हिना शाहनवाज को लेकर, कोहाट के इलाके इस्तरजई में जिस लड़की को चचाजात भाई ने कत्ल कर दिया, और हिना की बहन फरी खान ने जो रिपोर्ट दी है, जो दरख्वास्त दी है पुलिस को, उस पर उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था। इस मामले को कल हमने अपने प्रोग्राम में उजागर किया था, जिस पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो KPK में है, उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया है। वज़ीर आला KPK परवेज़ खटक की जानिब से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। इमरान खान साहब भी खामोश हैं, शहरयार आफरीदी साहब जिनका हल्का है वो भी खामोश हैं। हिना के खून के साथ इंसाफ कैसे होगा? यकीनी तौर पर KPK की अवाम, पाकिस्तान की अवाम इस सवाल का जवाब मांगते हैं, और हम 7 न्यूज़ पर अपने इस प्रोग्राम में हम उजागर करते रहेंगे। आज तذکرہ करेंगे पंजाब में अस्पतालों की हालत इज़ार का, और सबसे पहले हम तذکرہ करेंगे टोबा टेक सिंह का। टोबा टेक सिंह की आबादी 30 लाख है, डायलिसिस की सिर्फ 8 मशीनें हैं। सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह, 30 लाख की आबादी का ये इकलौता हॉस्पिटल है, और इसमें डायलिसिस के लिए 8 मशीनें हैं, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर्स और ऑपरेटर्स की सहूलत मौजूद नहीं है। PGR टेस्टिंग के लिए भी कोई मशीन मौजूद नहीं है। ICU, वेंटिलेटर, MRI, CT स्कैन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ साथ 2016 में इस अस्पताल को टीचिंग हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया था। 562 असामियाँ बढ़ाई गई थी, जिनमें से 400 अभी तक खाली हैं। अब से कुछ दिन पहले एक वाकया रिपोर्ट हुआ था क्रिसमस के मौके पर, जब कच्ची शराब पीने से बाद में यह मालूम हुआ वह शराब नहीं, स्पिरिट थी, जिससे बेशतर हलाकतें हुई थी। और इन हलाकतों में एक बड़ी वजह तिब्बी सहूलियात का नाकाफी होना भी है। और इसके साथ साथ पंजाब में आज जिन्ना हॉस्पिटल में भी एहतजाज हुआ है, सड़कें ब्लॉक की हैं मरीजों के लवाहिकीन ने। सितम ज़रीफ़ी यह है कि मरीजों के बेड सड़क पर रख के सड़क को ब्लॉक किया गया, कई देर तक ट्रैफिक भी जैम रहा। लेकिन ख्वाजा सलमान रफीक साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, सेक्रेटरी हेल्थ और दीगर लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगे, इस मामले से पहले भी बात करेंगे। लेकिन टोबा टेक सिंह में DHQ में क्या हालात हैं, ये जानते हैं। 7 न्यूज़ के नुमाइंदे सऊद हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, ये बताइएगा इस अस्पताल की तारीख क्या है और कब से इसकी हालत इज़ार है? जी बिल्कुल फैसल, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह जो है, ये 1982 में टोबा टेक सिंह को जब जिला बनाया गया तो उस वक्त से ये हॉस्पिटल जो था ये कायम किया गया था, और उसके बाद लेकर 2016 तक जितने भी डॉक्टर्स थे या पैरामेडिकल स्टाफ थे उनमें से कोई भी नई सीट जो थी वो नहीं बनाई गई। 2016 में इस अस्पताल को टीचिंग अस्पताल का दर्जा देकर इसको इसमें 562 नई असामियाँ क्रिएट की गई थी, जिनमें से अभी भी 400 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की असामियाँ खाली हैं। और इसके साथ साथ अस्पताल में चार्ज स्पेशलिस्ट की 2 सीट हैं, मेडिकल असिस्टेंट की 3, पैथोलॉजिस्ट की 2, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 3 असामियाँ खाली हैं। और ये जो पिछले दिनों रिपोर्ट था शराब पीने से जो हलाकतें हुई थी टोबा टेक सिंह में, उनमें जो मेन काज पेश किए गए और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को जो रिपोर्ट पेश की कमेटी ने, उनमें ये कहा गया था कि टोबा टेक सिंह में अगर वेंटिलेटर होते या सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम या ICU होता तो कुछ अमवात को रोका जा सकता था। और यहाँ पे एक सवाल है, शराब पीने का जो मामला था उसके बाद जो हलाकतें हुई बड़ी तादाद में, दर्जनों हलाकतें थी, 2016-17 के बजट में पंजाब ने 43 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं सेहत के लिए, कुछ मालूम है आपको कि इस अस्पताल का कितना बजट है? जी इसका बजट जो है वो हमारा जो क्योंकि जो छोटे जिले हैं उनका पूरे जिले का बजट आता है, और DC को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो अपने यूटिलाइजेशन करे उस हिसाब से कि जहाँ पर क्या नीडेड है। और यहाँ पर जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उनके भी कोई हालात अच्छे नहीं है, और जो रूरल हेल्थ सेंटर है उनके भी अच्छे नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ही बुनियादी सहूलियात नहीं होगी तो उनका तो हाल इंतजार सबके सामने है। दूसरी चीज ये है कि इस हॉस्पिटल में जो डायलिसिस है, क्योंकि जो लोग थे शराब से मुतासरा उनको सबसे पहले डायलिसिस की जरूरत थी, और यहाँ पर एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जरूरी होता है डायलिसिस करने के लिए, मशीनें तो चले ठीक है कम है लेकिन डॉक्टर भी नहीं है, एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जिसको डायलिसिस करना आता हो, ये भी एक बड़ी वजह है।
और 8 मशीनें अच्छा हैं उनका ये पीजीआर टेस्टिंग एक टर्मिनोलॉजी है मेडिकल की, इसके लिए मशीनें चाहिए होती हैं, इसका भी यहाँ पे कमी है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या वहाँ पे लैब असिस्टेंट नहीं है, मशीनें नहीं हैं, हैं तो फिर कोई और वजह है क्या? जी जो पीजीआर टेस्टिंग की मशीनें हैं ये हेपाटाइटिस के चेकिंग के लिए और डेंगू के जो डोप टेस्ट वगैरह हैं खून के वो भेजे जाते हैं। वो अगर टोपा टैक्सी में कोई पेशेंट ऐसा होता है जिस पर कि शक हो कि इसको हेपाटाइटिस या डेंगू है, इसके जो खून के नमूने हैं वो फैसलाबाद या लाहौर भेजे जाते हैं। टोपा टैक्सी में पीजीआर टेस्टिंग की मशीन ही नहीं है और सीटी स्कैन और एमआरआई की भी मशीनें यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। टेक्नीशियन तो बाद की बात है, यहाँ पर मशीनरी ही अवेलेबल नहीं है और जो एक्सरे की मशीन है वो भी अक्सर खराब ही रहती है। सऊद यहाँ से एमएनए कौन है, एमपीए कौन है, क्या वो कभी आए हैं, उनके घर वाले भी वो भी इन अस्पतालों का रुख करते हैं? जी बिल्कुल, एमपीए अमजद अली जावेद है, टोबा टेक्सिंग पीपी 86 से और वो अक्सर पंजाब असेंबली में यही रोना रोते हैं कि टोबा टेक्सिंग के अस्पताल की हालत इजार पर गौर किया जाए। मेरी डीसीओ टोबा टेक्सिंग अमर इजाज अकबर से बात हुई, उनका कहना था कि कोई भी डॉक्टर जो है वो लाहौर की जगह किसी भी दूसरे शहर को जो कि दूर दराज के इलाकों से, उसको प्रेफरेंस नहीं देता। जो भी डॉक्टर बनता है वो कहता है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि वो बड़े शहर में जाए। उनका कहना है कि हमारे पास असामियां खाली पड़ी हैं डॉक्टर्स की, लेकिन कोई भी डॉक्टर जो है वो टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अपने जो सर्विसेज है वो ज्वाइनिंग देने के लिए राजी नहीं है। जी सऊद अवाम क्या कहते हैं? जाहिर है शराब से हलाकतें हुई हैं, और भी लोगों के दीगर मसाइल हैं, वेंटिलेटर्स नहीं है, आईसीयू काम नहीं कर रहा है, एमआरआई मशीनें नहीं है, अवाम क्या कहते हैं, वो कहाँ जाते हैं इलाज करवाने? देखिए टोबा टेक्सिंग जो है एक सेंट्रल पंजाब का जिला है, फैसलाबाद डिवीजन में जी आता है और जो लोग हैं उनको एक तो ठीक है कि सरकारी हॉस्पिटल ना हो तो दूसरी फैसिलिटीज होती हैं कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो। टोबा टेक्सिंग में कोई प्राइवेट अस्पताल भी नहीं है और उनको बादने का खासा जो है वो मजबूरन फैसलाबाद जाना पड़ता है और फैसलाबाद का जो फासला है वो टोबा टेक्सिंग से 80 किलोमीटर है और अक्सर लोग जो हैं वो बीमार जब फैसला टोबा टेक्सिंग से पैंसरा के करीब पहुंचते हैं तो उनकी एम्बुलेंस जो है वो वापस मोड़ दी जाती है ये कहकर के अब इसकी डेथ हो चुकी है। लोग तो बहुत परेशान हैं लेकिन पता नहीं कब एक दूसरे शहरों का भी सुना जाएगा। ये तो उम्मीद है, दुआ है सब लोगों की कि कोई इनकी भी सुने क्योंकि इन्होंने भी तो वोट दिए हैं। टोबा टेक्सिंग की तमाम सीटों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही नुमाइंदे काम हुए हैं, तमाम सूबाई असम्बली और तमाम कौमी असम्बली की जितनी भी नशिस्तें हैं वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं और जो अभी जिला काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुई हैं ताल्लुक जो है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन ये जो सिस्टम पोशी है हुकाम की वो समझ से बालातर है। ठीक, बहुत शुक्रिया सऊद, आपने हमें अपडेट किया है टोबा टेक्सिंग से और ये सारे मामलात हैं। टोबा टेक्सिंग का हॉस्पिटल है, 30 लाख आबादी का ये शहर है, एक DHQ डायलिसिस की 8 मशीनें, ऑपरेटर नहीं, डॉक्टर नहीं उन्हें ऑपरेट करने के लिए, आईसीयू ऑपरेशनल नहीं है, एमआरआई, सीटी स्कैन और दीगर मशीनें यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। 2016 में तख्ती लगा दी गई, फीता काट दिया गया, टीचिंग हॉस्पिटल बना दिया गया DHQ को, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि अभी तक 452 नई असामियाँ अनाउंस की गई थी जिनमें से 562 नई असामियाँ अनाउंस की गई थी जिनमें से 400 अभी भी खाली हैं। ये चश्मपोशी क्यों है, ये तरजीहात क्यों नहीं है? कुशादा सड़कें नज़र आती हैं, लाहौर के फ्लाईओवर्स नज़र आते हैं, हमने देखा है कि पंजाब के दीगर शहरों में भी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, लेकिन ये समाजी बहबूद पंजाब हुकूमत की क्या तरजीह नहीं है? वज़ीर आला पंजाब जो खुद को खादिम आला भी कहते हैं, 9 सालों से वो तख्त लाहौर पर विराजमान हैं, पंजाब उनके हाथ में है, नोटिस भी वो लेते हैं, कार्रवाइयाँ भी वो करते हैं, लेकिन टोबा टेक्सिंग के अंदर ये चश्मपोशी क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है? ख्वाजा साल सलमान रफीक साहब, मेरी टीम आपसे राबता करने की कोशिश कर रही है, आपसे मैं ज़रा जानना तो चाहूँगा, पहले आप मुशीर थे, अब आप वजीर बन गए हैं, आप काइंडली हमारा फ़ोन उठाइए, हमसे बात कीजिए, कम अज़ कम अवाम के सामने आके कोई हीला बहाना ही कर दीजिए, कोई एक्सक्यूज़ ही दे दीजिए कि ये बुनियादी वजूहात हैं, इस वजह से हम लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं। अब से कुछ देर में अगर आप समझते हैं कि कोई अननोन नंबर है, हम अपना नंबर भी डिस्प्ले कर देते हैं, हमें यकीन है कि आपका मॉनिटरिंग सेल, वज़ीर आला पंजाब का मॉनिटरिंग सेल, शोभा हेल्थ का मॉनिटरिंग सेल ये प्रोग्राम देख रहा है, 24/7 आप लोग मॉनिटरिंग करते हैं। ख्वाजा सलमान रफीक साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, अब से कुछ देर में हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इस पर
ये नंबर आएगा, फिर इससे आपको कॉल भी आएगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अननोन नंबर अक्सर नहीं उठाए जाते हैं, ये नॉन हो जाएगा, इसको उठा लीजिएगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की रहनुमा हैं डॉक्टर नौशीन साहिबा, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, आप भी इस मुकद्दस पेशे से वाबस्ता हैं, ये जबूहाली जो है पंजाब में, आज भी हमने देखा कि जिना अस्पताल में ऑपरेशन ना होने पर मरीजों के लवाहिकीन एहतजाज कर रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या? मौजूदा हुकूमत है, उनकी प्रायोरिटी, उनकी तरजीहात में जो है वो आवाम की सेहत कहीं भी नहीं आती है। फकत उन लोगों की जो तरजीहात हैं वो सीमेंट है, बजरी है, लोया है। तो अगर ऐसे में जब तक आप अपनी कौम के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, इस वक्त जो हॉस्पिटल्स का हाल है आप जाकर किसी जगह पर भी देख लें, एक एक बेड पे तीन तीन पेशेंट्स मौजूद हैं, ना दवाइयाँ मौजूद हैं, ना उनके जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं उनके केमिकल्स मौजूद हैं। अगर कहीं पर एमआरआई मशीन है तो वो काम नहीं कर रही है, कहीं पे सीटी स्कैन मशीन मौजूद नहीं है, वेंटिलेटर्स जो कि कितना असेंशियल चीज़ है जिसके बगैर कोई हॉस्पिटल चल नहीं सकता, वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है, जहां पर हैं वो आउट ऑफ फंक्शन है, उनकी रिपेयर के लिए बजट इशू नहीं हो रहा। तो ये हमारे मुल्क में जो हमारा बजट है उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कि बजट एलोकेट जो होता है 43 अरब 83 करोड़ रुपए का बजट है शोभा सेहत का। डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुस्लिम लीग नून के एमपी आसिफ बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। सर, ये एक हॉस्पिटल है टोबा टेक सिंह का, उसका मैंने तस्करा किया है, और यहाँ पे 30 लाख की आबादी का इकलौता हॉस्पिटल, इसकी जबूहाली मेरी स्क्रीन पे भी नजर आ रही है, बुनियादी वजह क्या है, तरजीह क्यों नहीं है पंजाब हुकूमत की सेहत? मैं ये समझता हूँ कि जिस कदर आज का मीडिया अपना फर्ज और अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, जितनी अच्छी आपने ये इससे पहले इंट्रो दिया, मैं समझता हूँ कि आपने बड़ी मेहनत की है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने वाकई अवाम के मसाइल की निशानदेही की है, ये आपकी वजह से यकीनी तौर पर इस पर बेहतरी आएगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो जो आप कह रहे हैं इस तरह किसी भी डीएचक्यू लेवल पे मुमकिन नहीं है। डीएचक्यू लेवल में अगर इस तरह की फैसिलिटीज नहीं होगी तो बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होने का खतरा है, लोग मरेंगे, लोगों को नुकसान होगा। बाजवा साहब टोबा टेक सिंह ने 25 दिसंबर को बात करता हूँ सर, 25 दिसंबर को कच्ची शराब पीने से जो हलाकतें हुई हैं, और उसके बाद हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, 7 न्यूज़ की स्क्रीन पे डीएचक्यू टोबा टेक सिंह की फुटेज भी चल रही है, और उसमें एक बड़ी वजह यह भी सामने आई है जो वज़ीर आला साहब को भी रिपोर्ट दी गई थी कि तिब्बी इमदाद की सहूलियात ना काफ़ी हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मुबालगा नहीं कर रहे हैं, शवाहिद के साथ बात कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये मुमकिन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जिस कदर इस वक्त की गवर्नमेंट की इसमें इंटरेस्ट है, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की साहिश है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे जिले में आप देख ले, आगे डायलिसिस मशीनें चल रही हैं, जो उसमें हार्ट के जो दूसरी मशीनें हैं वो वहां पे मौजूद है, 24 आवर एमरजेंसी है। एमरजेंसी में चिल्ड्रन वार्ड में और गायनी वार्ड में लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि वहाँ पे सलमान रफीक साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, वज़ीर आला पंजाब के जो शोबे सेहत के दीगर हुकाम है, इनके कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। और आप बात कर रहे हैं कि आपके ज़िले में रावलपिंडी में टीबी हॉस्पिटल को पिछली हुकूमत ने, यानी कि मुस्लिम काफ की हुकूमत ने दोबारा से बनाया, केनालों के रकबे पर वो बना हुआ हॉस्पिटल है, उसको ऑपरेशनल नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर नौशीन साहिबा, आप समझती हैं तरजीह है वज़ीर आला पंजाब की ये सेहत, और क्या हम जो दिखा रहे हैं, जो पेश कर रहे हैं, इसको चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, इसके लिए तो आप किसी भी आज पंजाब के हॉस्पिटल में चले जाएं, आपके खुद ब खुद आपको हकीकत नजर आ जाएगी। जो आप अभी बजट की बात कर रहे थे, बेशक जो थोड़ा बहुत बजट एलोकेट भी होता है, एंड ऑफ द ईयर आप इनसे पूछें कि उसमें से खर्च कितना होता है, 50% बजट जो है वो अनस्पेंड रह जाता है। वो क्यों अनस्पेंड रह जाता है? अगर हुकूमत का फोकस इसके ऊपर हो तो मैं समझती हूँ कि वो बजट को स्पेंड करके कम से कम जो एलोकेट होता है वो तो लोगों के ऊपर लगे। आज हमारा दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं, सबसे ज्यादा माएँ दौरान जचगी पाकिस्तान में मरती हैं, सबसे ज्यादा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में मरते हैं।
तो इस किस्म के फिगर्स के साथ ये किस तरह क्लेम करेंगे कि हम लोग अपनी सेहत के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हुकूमत ये जो आज ऑरेंज ट्रेन बना रही है, एक एक पिलर इनको 2 करोड़ रुपए में पड़ रहा है। अगर एक एक पिलर की जगह वही पैसा हॉस्पिटल पे लगे तो नहीं, मैं डॉक्टर साहब मुझे आप पहले तो मुझे जरा आप अपना तारुफ करवाने दीजिए। मैं जरा कह दूं, आप डॉक्टर शब्बीर साहब हैं जी, वाईडीए के हुकाम हैं। डॉक्टर साहब, आपको बुनियादी वजह क्या नजर आती है, ये जो हम देख रहे हैं आए दिन मरीज रुल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस सारे मामले में है वो तजहीरात का ना होना है और इंतजामी फेल है। देखिए, जमहूरियत का मकसद ही ये होता है कि आपके डोर स्टेप्स के ऊपर जो हैं आपके मसाइल हल हों। आप ये कोई हुकूमत ना कहें, ये केपी में मोहतरमा है, ये इनकी हुकूमत है, वहाँ भी यहाँ से बदतर हालात हैं, सिंध में उससे भी बदतर हालात हैं, पंजाब के अंदर जो थोड़े बहुत हालात बेहतर थे वो भी बदतर होते चले जा रहे हैं। ये बात तरजीहात की है। जब तक हम एक से एक हमारे बजट का मखसूस हिस्सा जो हमारी ज़रूरियात हैं उस पर उसके लिए नहीं वक्फ करेंगे, जब तक हमारी अच्छी ब्यूरोक्रेसी टॉप के लोग नहीं लगाएंगे, ये मामलात रहेंगे। आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल टोबा टेक्सिंग की मिसाल दी है अभी, और जो प्रोग्राम है आपने सारी चीज़ें बताई हैं, ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं, इसे कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहां पे तो एक स्टेप लिया गया कि महकमा सेहत के 2 टुकड़े कर दिए गए, जिसपे तमाम डॉक्टर्स तमाम चीखते रह गए कि इससे सेहत की मजीद बर्बादी आएगी, और आज उसका नतीजा का निकला है कि एक 19वें ग्रेड का बाबू वहां पे सेक्रेटरी लगा दिया गया, जिसने वही हेपेटाइटिस सी की दवाइयां जो केपी में सस्ती खरीदी गई उसको महंगे दामों खरीदा और करोड़ों रुपया कमाया। आज भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेहत 2 साल गुजरने के बावजूद बुरी तरह नाकाम है, बुरी तरह नाकाम है। ये तो क्रेडिट जाता है आपके टीचिंग हॉस्पिटल्स को जो मरीजों का लोड उठा रहे हैं। अगर टीचिंग अस्पताल भी चौक हो गए, अगर टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो सहूलियात हैं वो कम पड़ गई, तो यकीन कीजिए डॉक्टर नौशीन साहब आपसे भी मैं बात करूंगा, डॉक्टर शब्बीर साहब आपसे भी जानूंगा। टेक्निकलिटीज अपनी जगह है, लेकिन रियासत का, इस मुल्क का, इस हुकूमत का फर्ज है, ये आइन के अंदर है, ये लागू है हुकूमत पे कि वो अपनी शहरियों की सेहत की जामिन है। लेकिन ये फ़र्ज अदा करने में हमारी हुकूमतें, बिलखसूस सूबाई हुकूमतें, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वज़ीर आला पंजाब खादिम आला शहबाज शरीफ साहब अभी तक ये जिम्मेदारी बतरीके अहसन क्यों नहीं निभा सके हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करें। सेवन न्यूज़, हर जगह हर